लोग लगाते हैं, उसका क्या शेड्यूल रखते हैं, कैसे कैसे ये अलग अलग जिलों में भी क्या ये स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है? नहीं, जैसे कि ये खाने का बात है, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर जी। तो ये कंपलसरी भी है कि आपको भोजन देना है, तो आयुष्मान के मरीज को तो हम लोग देते हैं, उसके साथ साथ में जो जनरल मरीज भर्ती होते हैं जो आयुष्मान में नहीं है उनको भी हम लोग अपना भोजन देते हैं। और शिविर की जो बात है, क्योंकि पूरे जनपद के हर गांव में हर जगह पे लोग जानते हैं, पहले से भी पब्लिक लाइफ से हम जुड़े हुए हैं, तो कहीं किसी के घर में या किसी के स्कूल में कभी कोई फंक्शन होता है तो उस समय लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ से अगर कोई मेडिकल कैंप लग जाता तो ठीक था, तो हम लोग उस समय उनके यहाँ जाके मेडिकल कैंप लगा देते हैं, उनकी मांग होती है। कभी कोई ग्राम प्रधान कहते हैं कि मेरे गांव में मेडिकल कैंप लगा दिया जाए, तो हम अपने यहाँ से डॉक्टर स्टाफ भेज देते हैं, वहाँ मेडिकल कैंप लग जाता है। तो लोगों की मांग भी रहती है और हम लोग उसका उन लोगों की मांग को देखते हुए आयोजन उसका करते रहते हैं। और कभी कभी अपने हॉस्पिटल में भी हम लोग कैंप लगाते हैं, जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल में यूरोलॉजी का नया डिपार्टमेंट हमने शुरू किया है, डॉक्टर नए लाए हैं हम उसको, मतलब सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए भी अभी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में कैंप लगाया कि जिससे लोग कैंप में आए तो उनको पता चले कि भाई नई डिपार्टमेंट शुरू हुआ है और क्या क्या उसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो लोगों में हॉस्पिटल की सुविधाओं के प्रति जानकारी रहे, इसके लिए हम लोग बराबर निरंतर कैंप लगाते रहते हैं। और प्रशासन से सहयोग मिल रहा है इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए? हाँ, प्रशासन जिस लेवल पे, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रशासन का इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है जी जी, और सरकारी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उनसे सहयोग चाहिए वो हम लोगों को पूरा मिलता है, और उनके जो नॉर्म्स होते हैं जो उनके उनको चाहिए वो हम लोग उसको पूरा करते हैं। पूरी तरीके से कोशिश हमारी रहती है कि जो नियम है उस नियम के दायरे में रह के अच्छे से काम किया जाए, तो प्रशासन का सहयोग पूरा है, प्रशासन के साथ में जनता जनार्दन का भी पूरा सहयोग है। बिल्कुल, जनता का सहयोग का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये विश्वास आप ही ने कमाया है, आप लोग के काम ने कमाया है। एक अस्पताल खोलना आसान नहीं होता है और ऐसे में वहां पर डॉक्टर्स, स्टाफ का अरेंजमेंट, आप क्या इमरजेंसी की क्या सिचुएशन है, क्या रिस्पांस टाइम आप लोग का रहता है, किस तरीके से उसके लिए व्यवस्था की गई है? इमरजेंसी हमारे यहाँ 24 आवर है, जिस दिन से हॉस्पिटल खुला है जी। उसमें 3 शिफ्ट में हमारे यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर रहते हैं और 24 आवर ही हम लोग इमरजेंसी की सुविधाएं देते हैं, और कंटिन्यू जब से हमारे यहाँ चालू हुआ हॉस्पिटल तब से इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में मिलता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है।